हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है यूथ पब्लिकेशन का न्यू बुक। इसका पार्ट 3 तक हम क्वेश्चन करा चुके हैं, ये पार्ट 4 होगा। इसमें जो 100 क्वेश्चन डेली आपको हम कराते हैं, 100 क्वेश्चन डेली आपको हम क्वेश्चन कराते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम से, उसे आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका क्वेश्चन आप डेली 100 क्वेश्चन डेली आप कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस के लिए आपको 9585 प्लस क्वेश्चन, इसमें इंक्लूड यूथ पब्लिकेशन का न्यू बुक है। इसमें आप एनटीपी जितना भी क्वेश्चन पूछा गया टोटल इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आइए आप क्वेश्चन को देख सकते हैं किस प्रकार। पार्ट 300 क्वेश्चन इसका पार्ट 4 है। 400 क्वेश्चन होने जा रहा है, पार्ट 4 है। जैसे कि देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 151, मास एम के साथ चलती हुई एक वस्तु गति ऊर्जा ई के का मूल्य का क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 151 के। जैसे देखिए क्वेश्चन में, जैसे देखिए क्या क्वेश्चन, 1/2 गति ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv²। यदि वस्तु के वेग को बढ़ाकर 2v कर दिया जाए, 2v वेग को 2v कर दिया जाए तो v जगह क्या हो जाएगा 2v², उसके 1/2 m और उसका भी कितना 4v²। उसके बाद ये करना क्या है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में, उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या हो गया 4 हो गया। उसके बाद इसको काटिएगा, 2 दूना 4 तो कितना हो जाएगा टोटल। जब काटिए ऐसे भी छोड़ दीजिए, काटिए मत, क्योंकि कितना गुना है गतिज ऊर्जा, कितना गुना है तो 4 गुना है। गतिज ऊर्जा कितना गुना है 4 गुना। इसका हो जाएगा 4, इसका आंसर 4 गुना इसका आंसर निकल कर चला आएगा। तो जैसे कि 151 का 4E K इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 152 नंबर क्वेश्चन देखिए। 152 में क्या कहा है, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है तो 2 सेकेंड के बाद गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जी का मान दिया गया कितना 10 मीटर/s²। उसके बाद देखिए करना क्या है, कैसे सॉल्व करना वो देखिए। जैसे देखिए क्वेश्चन में, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार v = u - GT, क्योंकि ऊपर फेंका गया। कहाँ फेंका गया, ऊपर की नीचे फेंका गया वो देखिए। क्योंकि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु ऊपर की ओर, ऊपर जब भी फेंका तो माइनस में जाएगा, क्या जाएगा माइनस में, नीचे प्लस में, नीचे प्लस में। तो ऊपर जब भी फेंका गया तो न्यूटन के प्रथम के नियम के अनुसार v = u - GT। u कितना है 20 मीटर/s, टाइम कितना है 2 सेकेंड, g कितना है 10 मीटर/s²। उसका v हमको निकालना है। उसके बाद v हम निकाल लेंगे तो u का मान कितना 20, g कितना 10 और t कितना 2, तो कितना हो गया 20 में से 20 जाएगा कितना 0, v हमको 0 निकल गया। उसके बाद देखिए गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। 1/2 दिए, m का मान कितना को है 2 है, m का मान कितना है, m का मान देखिए कितना है, m का मान 2 kg, m का मान 2 kg हम दिए m का मान। उसके बाद v का स्क्वायर होता है तो v कितना 0 निकला, 0 का स्क्वायर कितना होगा 2 कट गया 0 जूल। तो 2 सेकेंड के बाद वस्तु गतिज ऊर्जा क्या 0 हो जाएगी। इसका क्या आंसर हो जाएगा 0 इसका आंसर हो जाएगा। 152 का 0 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनाना, जब भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन 153 नंबर क्वेश्चन। 153 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 मीटर/s की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए m द्रव्यमान कितना 22 kg और उसके बाद देखिए 5 मीटर/s गति से, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन में गतिज ऊर्जा पूछा गया, तो गतिज ऊर्जा पूछा गया तो गतिज ऊर्जा क्या तो सूत्र होता है 1/2 mv²। उसके बाद मास क्या दिया गया m = 22 kg, v कितना दिया 5 मीटर/s, तो क्या हुआ 1/2 सूत्र लगाएंगे गतिज ऊर्जा का 1/2 गुने m का मान 22 आ v का v² तो 25 हो जाएगा। 5 × 5 करिएगा 25, तो इसको सॉल्व करिएगा कितना जाएगा 275 जूल आ जाएगा। 275 जूल इसका आंसर हो जाएगा। 253 का 275 जूल इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 154 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिरते हुए नारियल में क्या होती है। तो बताइए 54 में इसका क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा कि नाभिकीय ऊर्जा की, ध्वनि ऊर्जा की, रासायनिक गति क्या होगा बताइए इसका 154 का सी होगा गतिज ऊर्जा होगा, क्या होगा गतिज ऊर्जा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, इसका थ्योरी देखिए, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता यदि गति के कारण हो तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण देखिए, ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया आदि गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो गतिज ऊर्जा सूत्र क्या होता है, के ई बराबर क्या होता है 1/2 mv²। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 155 नंबर क्वेश्चन देखिए 155 में क्या कहा गया, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर हो तब उन्हें निहित ऊर्जा ज्ञात करिए। निहित ऊर्जा मतलब क्या होता है स्थिति ऊर्जा, जी बराबर दिया 9.8 m²। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, जैसे देख सकते हैं। तो स्थिति ऊर्जा को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं U से। तो U बराबर क्या होता है mgh, mg स्थिति ऊर्जा बराबर mgh, m का मान 11, g का मान 9.8, h का मान 5। सॉल्व करिएगा 539 जूल इसका आंसर आ जाएगा। कितना 539 जूल, कितना आ जाएगा 539 जूल, इसका आंसर 155 का आ जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 156 नंबर क्वेश्चन देखिए 156 में क्या कहा, 14 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर तब उनमें निहित ऊर्जा कितनी होगी ये बताइए। तो इस उसी टाइप से बनाना है इसमें भी, क्योंकि निहित ऊर्जा का गति स्थिति ऊर्जा जैसे देख सकते हैं। वस्तु का द्रव्यमान होगा 14 kg, वस्तु की ऊंचाई कितना हमको 5 मीटर, स्थिति ऊर्जा हमको पी निकालना है, पी बराबर क्या होता है mgh, या स्थिति ऊर्जा को पी लिख सकते हैं या यू लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा पी या यू बराबर mgh, इसको लगाइए, m का मान 14, g का मान 9.8, h का मान 5, सॉल्व करिएगा 686 जूल आ जाएगा। 686 जूल इसका आंसर आ जाएगा, 686 जूल इसका आंसर आ जाएगा 156 का सी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 157 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर ऊंचाई पर हो तब उनमें निहित ऊर्जा डैश होती है। दिया गया जी का मान 10 m/s² है, 10 m/s² अब देखिए इसमें करना क्या है, निहित ऊर्जा तो क्या करना है, स्थिति ऊर्जा हमको निकालना है। देखिए 10 मीटर ऊंची निहित ऊर्जा की स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh, m द्रव्यमान कितना 15। उसके बाद हमको g का मान 10 दिया गया, ऊंचाई कितना 10, टोटल 1500 जूल आ गया। कितना 1500 जूल आ गया आंसर, 1500 जूल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद चले आगे क्वेश्चन देखिए 158 नंबर क्वेश्चन 158 में क्या कहा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है। तो वस्तु का वेग क्या होगा, भी हमको पूछा गया। गतिज ऊर्जा क्या फॉर्मूला था 1/2 mv², जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन में। जैसे देखिए गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा कितना दिया गया, गतिज ऊर्जा क्या के ई कितना दिया 120 जूल, द्रव्यमान कितना 15 kg, भी हमको निकालना। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv², गतिज ऊर्जा 120 जूल हमको पता है, उसको 1/2, एम का मान कितना 15, अभी हमको निकालना है। अब देखिए करना क्या, 2 है भाग गुना में 120 के जोड़ में हो जाएगा, अब 15 भी के जोड़ में गुना में 15 तो भाग में चलाएगा, तो v² बराबर 120 × 2/15। अब इसको सॉल्व करिएगा, तो क्या हो जाएगा, काटिएगा इसको कितना बार में कट जाएगा, v² बराबर 16 निकल जाएगा, क्योंकि काटिएगा जब तो आपको 100 सिर्फ 16 निकलेगा, तो v² बराबर 16, अब v बराबर रूट में आ जाएगा तो 4 निकल कर 4 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। 4 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर ऑप्शन बी 158 का हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 159 नंबर क्वेश्चन देखिए 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन जैसे गतिज ऊर्जा हमको पूछा गया, हमको द्रव्यमान और वेग पता है तो हम क्या वस्तु गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। जैसे देख सकते हैं गतिज ऊर्जा सूत्र होता है ये, उसके बाद एम द्रव्यमान हमको दिया गया, वेग भी दिया गया, गतिज ऊर्जा एक रहा 2, एम कितना 15, एम कितना है 15 केजी, भी कितना है 8, 8 गुने 8 या 8 का स्क्वायर। सॉल्व करिएगा 480 जूल आ जाएगा। कितना 480 जूल, इसका आंसर क्या 480 जूल, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 160 नंबर क्वेश्चन देखिए 160 में क्या कहा गया 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो में निहित ऊर्जा कितनी होगी। जी का मान हमको दिया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद देखिए करना क्या, इसको हमको निकाल लेना। स्थिति ऊर्जा कहा गया, निहित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा हुआ। जैसे देखिए एम द्रव्यमान 11 केजी, ऊंचाई हमको दिया गया कितना 6 मीटर और जी का मान दिया गया 9.8। स्थिति ऊर्जा बराबर क्या यू या पीई कहिए। उसके बाद देखिए एम जी एच, एम का मान कितना है 11, उसके जी का मान कितना है 9.8, एच कितना है 6। सॉल्व करिएगा 646.8 जूल आ जाएगा। 646.8 जूल, इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन 161 नंबर क्वेश्चन देखिए 161 में कहा गया एक बंदूक से चली हुई गोली का लक्ष्य भीतर गहराई चली जाती है क्योंकि उसमें क्या होता है। तो बताइए 161 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा, क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा। जैसे देखिए बंदूक से चली गोली का लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा बंदूक से निकली गोली का वेग बहुत अधिक होता है। लक्ष्य से टकराने पर यह बहुत कम समय में शून्य हो जाता है, अतः गोली का वेग परावर्तन की दर एक बल बहुत बहुत अधिक होता है, इसलिए गोली का लक्ष्य गहराई में चली जाती है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 162 नंबर क्वेश्चन देखिए 162 टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। बताइए 162 का आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका सी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में टरबाइन जो परिवर्तन कर देता है। उसके बाद इसका थ्योरी देखिए टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का प्रयोग गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर कार्य करता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 163 नंबर क्वेश्चन 163 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1.0 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ आगे बढ़ता है। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की शक्ति क्या होगी। तो बताइए 163 का आंसर क्या हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में जैसे देखिए समान टकराने के बाद दोनों संयुक्त v मीटर पर सेकेंड का संवेग संरक्षण से टकराने से पहले का संवेग और टकराने का बाद का संवेग बराबर दोनों होगा। जैसे देखिए तो संवेग क्या होगा, पहला संवेग टकराने से पहले संवेग क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर क्योंकि पहला संवेग m1 v1 m v होता है संवेग बराबर क्या होता है पी बराबर एम भी, पी बराबर एम भी, तब दो गया एम वन एम दो, एम भी दो गया और भी दो गया, तो एम वन भी वन, एम टू भी टू। तो उसके बाद इसमें करना क्या, आपको इसमें करना क्या वो देखिए। उसके बाद क्या एम वन प्लस एम टू और गुने टकराने के बाद का संवेग, टकराने से पहले टकराने के बाद। उसके बाद देखिए इसका एम वन का मान 0.5 गुने वी वन का मान 2.0 प्लस एम टू का मान कितना हो जाएगा एम टू और वी टू, टोटल जीरो हो जाएगा, बराबर एम वन और प्लस एम टू, टोटल जो एम वन कितना 0.5, एम टू कितना 1.0, 1.0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए m2 होगा 1.0 तो 0 v2 है 0, दोनों गुना करें 0 हो जाएगा, इसीलिए। उसके बाद भी हमको निकालना है। अब देखिए क्या करना है, तो करना क्या, हमको ये जो है दोनों जोड़ देंगे, तो इसको जब गुना करिएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दोनों गुना करिएगा 1 हो जाएगा, ये भाग में चलाएगा 1.5। जब सॉल्व करिएगा तो 2/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऊर्जा की क्षति बराबर गतिज ऊर्जा की कमी, तो क्या हो जाएगा 1/ ऊर्जा की क्षति उसमें 1/2 mv स्क्वायर। उसके बाद इधर गतिज ऊर्जा इधर आएगा तो माइनस में 1/2 mv स्क्वायर। तो देखिए m का मान कितना है, m का मान कितना था 0.5, उसका भी कितना है, भी हमको 2 निकल के आया, भी कितना 2 निकल के हमको ऊर्जा संतुलन पहला में, तो 2 निकल के आया तो भी 2 का स्क्वायर, उसका माइनस 1/2। और उसके बाद देखिए पहला कितना है m, पहला कितना है जैसे देखते बाद टकराने का बाद कितना है m1 प्लस m2 कितना है 0.5 प्लस 1.0। और उसके बाद अभी कितना को निकल के अभी आया 2.3, 2.3 का गुना सॉल्व किए स्क्वायर किए, इसको हमको देखेंगे कितना निकल के आया। ये हमको सॉल्व टोटल करने के बाद ये जो आएगा पूरा, जो ये सॉल्व जब करिएगा 4 हो गया और 2 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो गया माइनस। अब इसको सॉल्व करिएगा, इसको 2 दूना 4 कर जाएगा, 2 दूना 4 ये कर जाएगा और कर जाएगा कितना बचेगा। और उसके बाद इसको जोड़िएगा तो आपको 1/3 निकल के आएगा, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद 1/3 निकल के आएगा। जब सॉल्व करिएगा 2/3 और जो सब सॉल्व करिएगा 0.67 इसका जूल आ जाएगा, 0.67 जूल आ जाएगा, 67 जूल इसका आंसर आ जाएगा, 0.67 जूल इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 164 नंबर क्वेश्चन, 164 कहा गया किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी। 164 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 164 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, बंदूक की तुलना में अधिक, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बंदूक की तुलना में अधिक होगी। उसके बाद चलिए देखिए इसका क्वेश्चन देखिए एम, देखिए क्या कहा गया, बंदूक का द्रव्यमान m1 भी कितना v1, बुलेट का द्रव्यमान कितना m2 और बेग कितना v2। तो क्या हुआ m1 बड़ा है v2 से, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार m1 v1 बराबर m2 v2, दोनों तरफ वर्ग करने पर 1/2 से गुना करने पर क्या होगा, गुना करने पर 1/2 ब्रैकेट m1 v1 का होल स्क्वायर बराबर 1/2 m2 v2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करिएगा E1/m1 आ जाएगा। क्योंकि कनेक्टिव जैसे गतिज ऊर्जा तो हमको क्या हो गया E1 आ गया और इसके बाद E2 आ गया, क्योंकि गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा क्या करते हैं E1 से हम निरूपण करते हैं, E1 कर लिए और इसको E2। तो उसके बाद देखिए यहाँ होगा इसका क्या, इसका M1 यहाँ क्या होगा M2। तो उसके बाद इसको सॉल्व E2 बटा E1 M1 बटा M2। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद E2 बटा E1 बड़ा है 1 से, समीकरण 2 E2 बड़ा है E1 से। तो कहा गया किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की गतिज ऊर्जा से अधिक है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 165 नंबर क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, ये बताइए 165 का आंसर क्या हो जाएगा। हो जाएगा बी स्थिति ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थिति ऊर्जा। उसके बाद देखिए, भौतिक में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थिति ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति से संबंधित होती है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। तो करना क्या, हमको स्थिति ऊर्जा निकालना था। इस हमको कैसा पूछा गया? स्थिति ऊर्जा का हमको यांत्रिक क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा निकालेंगे तो गतिज ऊर्जा इधर आएगा, तो स्थिति यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, हमको स्थिति ऊर्जा का निकल जाएगा। इसका आंसर 165 का हो गया, स्थिति ऑप्शन बी इसका। उसके बाद देखिए 166 नंबर क्वेश्चन। 166 में कहा एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग को क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। 166 का क्या हो जाएगा? बी। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 167 नंबर क्वेश्चन। देखिए किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। 167 का ए हो जाएगा। 167 का ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए 168 नंबर क्वेश्चन। देखिए 168 यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है ये बताइए। 168 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका सी आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग। उसके बाद देखिए 169 नंबर क्वेश्चन। 169 में क्या कहा गया? स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके किसके प्रकार हैं? तो बताइए 169 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए, यांत्रिक ऊर्जा का। किसका? यांत्रिक ऊर्जा का। 170 नंबर क्वेश्चन। देखिए 170 में क्या कहा? डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। तो बताइए 170 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए, यांत्रिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। उसके बाद देखिए 171 नंबर क्वेश्चन। 15 kg द्रव्यमान की वस्तु 60 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही वस्तु गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/2 mv²। जैसे देखिए क्वेश्चन, एम हमको पता है, भी भी पता है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? के ई बराबर 1/2 mv²। 1/2 m का मान 15, भी कितना? भी स्क्वायर 7×7। सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा? सॉल्व करिएगा इसको तो आ जाएगा आपको 367.5 जूल। 367.5 जूल इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 171 का। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 172 नंबर क्वेश्चन। देखिए 172 में क्या कहा गया? 12 kg की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया। यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करिए। जी का मान हमको दिया गया है। अब देखिए करना क्या है, हमको स्थिति ऊर्जा दिया गया है, द्रव्यमान भी दिया गया, जी का मान भी दिया गया। जैसे देख सकते हैं हमको निकालना क्या है? हमको भूमि से संदर्भ वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें, ऊंचाई हमको निकालना है। तो जैसे देख सकते हैं स्थिति ऊर्जा कितना 600 जूल दिया था। तो देख करना एम का मान 12 दिया, जी का मान 10, एच हमको निकालना है। तो क्या 600 एच निकालेंगे 12×10 120 भाग में हो जाएगा 0 0 × 12 = 60। 5 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। 5 मीटर इसका आंसर आ जाएगा 172 का 5 मीटर ऑप्शन डी। उसके बाद चले आए 173 नंबर क्वेश्चन। देखिए 173 निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 173 का क्या हो जाएगा? हो जाएगा डी। ए, बी, सी ये तीनों क्या है? गतिज ऊर्जा है। बंदूक से निकली गोली, उसके बाद तीव्र गति से कार्य कर रहा रेलवे इंजन। सी में देखिए एक साधारण पेंडुलम की गति, ये क्या तीनों गतिज ऊर्जा है। उसके बाद देखिए थ्योरी इसका, देखिए थ्योरी का किसी बॉडी में गति के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मान वस्तु के उसके विराम अवस्था से वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है। के ई बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। m क्या द्रव्यमान है, v क्या वेग है, वस्तु का वेग। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, उसके बाद बंदूक से निकली गोली तीव्र गति से कार्य करते एक रेल इंजन के एक साधारण पेंडुलम की गति आदि गति ऊर्जा का उदाहरण है। उसके बाद चलिए देखिए 174 नंबर क्वेश्चन। 174 में क्या कहा, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। वेग दिया गया, गतिज हमको द्रव्यमान दिया गया 10 kg, एम का मान, तो गतिज ऊर्जा क्या है 1/2 mv²। जैसे देखिए क्वेश्चन, हमको दिया गया एम दिया गया द्रव्यमान, भी दिया गया है, गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। लगाइए 1/2, एम का मान 10, भी का मान 6 का स्क्वायर 36। इसको सॉल्व करेगा 5 36 5 180 जूल। कितना 180 जूल इसका आंसर हो जाएगा। 180 जूल क्या हो जाएगा, 180 जूल इसका, 174 का 180 जूल इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 175 नंबर क्वेश्चन देखिए। 175 में कहा गया ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये बताए 175 का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा डी इसका सत्य नहीं है। रूपांतर के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात हो जाती है, ये क्या है, ऊर्जा का नियम नहीं है। ये देखिए ये सब है ऑप्शन ए, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा किसी कार्य करने की क्षमता को माप सकता, माप क्षमता की माप है। ऊर्जा को कोई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। तो इसमें कहा ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है और सब सत्य है। ऑप्शन ए बी सी सत्य है, कौन सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। ऑप्शन डी सत्य नहीं है। क्या रूपांतर के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में होती है, ये असत्य है। इसका थ्योरी देखिए, ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी एक वस्तु के दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद चलिए 176 नंबर क्वेश्चन देखिए। 176 नंबर क्वेश्चन, 176 में क्या कहा गया। 176 में देखिए, निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बताइए 176 का आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा सी ऊर्जा का, किसका, ऊर्जा का। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, इसका थ्योरी देखिए। थ्योरी देखिए क्या कहा गया, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। समान कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा मुख्य स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा आदि के रूप में पाई जाती है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्या कहा गया। आगे देखिए कहा गया 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। वस्तु के द्वारा गतिशील ऊर्जा क्या होगा, गतिशील ऊर्जा 177 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 177 का। जैसे देखिए द्रव्यमान 20 kg, वेग हमको 10 मीटर प्रति सेकंड दिया, वस्तु गतिज ऊर्जा पूछा गया, 1/2 mv²। 1/2 एम का मान 20, अभी 10 × 10 सॉल्व किए, कितना आ गया 1000 जूल आ गया। कितना 1000 जूल इसका आंसर आ गया, 1000 जूल, 1000 जूल 177 का। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए 178 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें। जब इसे 10 मीटर ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है तो जी का मान हमको दिया गया, एम भी दिया गया है, 10 मीटर ऊंचाई एच भी दिया गया। हमको क्या कहा गया, हमको क्योंकि हथौड़ा उठाया जाता तो क्या इसमें कौन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा क्या कहते हैं, पीई या यू बराबर एम जी एच। जैसे देखिए हथौड़े द्वारा दमन कितना 20 kg, ऊंचाई कितना 10 मीटर, त्वरण जी का मान कितना दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हथौड़े का विभव कितना होता है एम जी एच, एम का मान 20 है। उसके बाद देखिए, और उसके बाद ऊंचाई कितना है 10, उसके बाद जी का मान कितना 10, टोटल सॉल्व करिएगा 2000 जूल आ जाएगा, कितना 2000 जूल इसका आंसर हो जाएगा, 2000 जूल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 178 का। 179 नंबर क्वेश्चन देखिए, 179 में क्या कहा गया, 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु की निहित ऊर्जा क्या होगी, निहित मतलब स्थिति ऊर्जा क्या होगी। जैसे देखिए के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 क्या पूछा गया, स्थिति ऊर्जा पूछा गया। जैसे देख सकते क्वेश्चन में क्या पूछा गया, निहित गतिज ऊर्जा पूछा गया, गतिज ऊर्जा मतलब के ई पूछा गया हमको, निहित गतिज ऊर्जा, निहित ऊर्जा रहता सब स्थिति एमजीएच लगाते हैं, गतिज ऊर्जा निहित गतिज ऊर्जा पूछा गया। तो करना क्या हुआ देखिए, तो क्या गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 दिए, एम का मान 13, भी कितना 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद कितना हो गया 1/2 × 13 × 25, सॉल्व करिएगा कितना हो जाएगा 325/2, इसको सॉल्व करिए 162.5 जूल, 162.5 जूल, 162.5 जूल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 180 नंबर क्वेश्चन देखिए, 180 में कहा गया 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति से के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा पता 1/2 mv स्क्वायर। जैसे देख सकते क्वेश्चन में, जैसे देखिए एम हमको दिया गया 20 kg, वेग दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड, गतिज ऊर्जा पूछा गया 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 एम का मान कितना 20, भी 5 × 5, टोटल सॉल्व करिएगा 250 जूल इसका आंसर हो जाएगा, 250 जूल इसका आंसर हो जाएगा, 180 का 250 जूल, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए 181 नंबर क्वेश्चन, 181 में कहा गया गुरुत्वाकर्षी स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, स्थिति ऊर्जा के यू कहिए चाहे पीई कहिए, तो क्या हो जाएगा बताइए 181 का आंसर क्या हो जाएगा, 181 का बताइए क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा u बराबर एम जी एच। उसके बाद देखिए 'जब किसी वस्तु की विशिष्ट अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं'। माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, गुरुत्व त्वरण g है, ऊंचाई कितना h है, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा क्या होगी mgh हो जाएगा, u बराबर mgh। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 182 नंबर क्वेश्चन देखिए, 182 में क्या कहा गया, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन गलत है ये बताइए, 182 को बताइए गतिज ऊर्जा के बारे में कौन गलत है, 182 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये बताइए, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है ये बताइए, तो कहा स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, जब स्थिर रहेगा तो स्थिति ऊर्जा होगा, तो गतिज ऊर्जा कहाँ से, ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए बी में, एक वस्तु गति के आधार पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, सही है, इसकी गणना के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर भी सही है, गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, सही है, तो कहा गतिज ऊर्जा के बारे में कौन गलत है, ये गलत ऑप्शन ए गलत है और बी सी डी सही है गतिज ऊर्जा के बारे में। टीम का स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा, जब स्थिर रहेगा तो उसमें क्या होगा स्थिति ऊर्जा होगा, ये कहा गतिज ऊर्जा, तो गलत है। उसके बाद देखिए इसका थ्योरी देखिए। थ्योरी में कहा गया स्थिर अवस्था में निहित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा होती है, बिल्कुल एक गलत है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होता है। गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। पिंड की गतिज ऊर्जा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो गतिज ऊर्जा 2 mv²। उसके बाद देखिए 183 नंबर क्वेश्चन, देखिए 183 में क्या कहा, 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिज ऊर्जा होती है, गतिशील ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। अब देखिए करना क्या, उसी प्रकार क्वेश्चन बनाना, द्रव्यमान हमको निकाल लेना है क्योंकि गतिशील ऊर्जा हमको दिया गया 120 जूल। जैसे देखिए वेग हमको दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड, कनेटिक एनर्जी दिया गया, गतिज ऊर्जा हमको 120 जूल दिया गया, द्रव्यमान हमको नहीं दिया, निकालना है। तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², गतिज जो 120 है 1/2 m हमको निकालना, भी हमको पता है कितना 4 स्क्वायर हो 16 हो गया। उसके बाद देखिए 16 होगा, उसके बाद देखिए इसको करना क्या करना, 2 इसको 16 4 का स्क्वायर 16 काटेगा तो 8 हो जाएगा, कितना 8 हो जाएगा, 8 भाग इधर भाग में चलाएगा, 120 में 4 तक 16, 4 तक 16 ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी गुना कर काट सकते हैं। देखिए 4 तक 16 इसको काटिएगा, नहीं भी काटिएगा तो ऐसे भी आंसर आएगा, काटिएगा ऐसे भी आंसर आएगा, डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट कर दिया, काटा गया नहीं इसमें। 120 भाग में गुना कर दिया, 120 तो होगा 240, ये है एम के द्वारा में गुना में, तो भाग में चलेगा 16, काटिएगा तो 15 kg आ जाएगा। कितना 15 kg इसका आ गया आंसर, 15 kg हो जाएगा, ऑप्शन 184 का बी हो जाएगा। 184 नंबर क्वेश्चन देखिए, 184 में कहा 5 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। जैसे देखिए क्वेश्चन जैसे देखिए, वस्तु का द्रव्यमान m kg है, वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, गतिज ऊर्जा कितना 25 है, 25 जूल है। अब देखिए उसके बाद गतिज ऊर्जा बराबर लगाएं सूत्र, गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र 1/2 mv², तो गतिज जो हमको पता है 25 1/2, उसके बाद m कितना हमको पता नहीं है, m कितना है, उसके बाद भी हमको पता है 5, तो 5 का 25। अब देखिए 25 हो गया, तो ये 2 क्या भाग में गुना में 50 हो जाएगा, 50 में 25 भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 2, तो m = 2 kg निकल कर चलाया। उसके बाद देखिए करना क्या है, 2 kg निकल कर चलाया। उसके बाद देखिए क्या करना है, वस्तु का वेग बराबर क्या होता है 2 गुने प्रारंभिक वेग, तो 2 तो पहले दे दिए हैं, उसका प्रारंभिक वेग कितना है 5 है, प्रारंभिक वेग कितना है 5, तो टोटल कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नई गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 mv², m कितना निकल गया 2 kg, अब भी कितना 10 का स्क्वायर, 10 गुने 10, सॉल्व करिएगा कितना 100 जूल आ जाएगा, कितना 100 जूल इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 जूल इसका आंसर हो जाएगा, कितना 100 जूल, कितना 100, क्योंकि गति ऊर्जा दोगुनी होगी, दोगुनी हो गई, इसलिए दोगुनी जब हो गई तो इसीलिए यहाँ क्या हो गया प्रारंभिक वेग क्या हो गया 2 गुना, क्योंकि कहा गया इसीलिए प्रारंभिक वेग क्या होगा 2 गुना। उसके बाद देखिए 185 नंबर क्वेश्चन देखिए, 185 में कहा गया 12 kg की वस्तु जब भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। निहित ऊर्जा में क्या कहा गया, निहित ऊर्जा मतलब U या P, तो क्या होगा mgh। जैसे देख सकते हैं mgh, m का मान 12, g का मान 5, g का मान 9.8, h का मान 5, सॉल्व करिए 588 जूल, कितना 588 जूल इसका आ जाएगा, 588 जूल, क्योंकि ऊंचाई हमको 5 मीटर दिया, आज जी का मान हमको 9.8 दिया गया है। अब देखिए 186 नंबर क्वेश्चन, 186 पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? बताइए 186 का आंसर क्या हो जाएगा? 186 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए? इसका 186 का ए हो जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी को मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड में कुल ऊर्जा क्या होगी? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए थ्योरी इसका, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद चलिए 187 नंबर क्वेश्चन। 187 में कहा गया एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गति ऊर्जा क्या? गति ऊर्जा 1/2 mv²। हमको m पता है, अभी भी पता है, जैसे देख सकते हैं m हमको पता है, अभी भी पता है। गति ऊर्जा 1/2 mv², 1/2 m का मान 10, अभी कितना 25, तो 1/2 5, 25 5, 125 जूल आ जाएगा। 125 जूल इसका आंसर हो जाएगा। 125 जूल इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद 188 नंबर क्वेश्चन देखिए। 188 में कहा गया धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 kg द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जा कितना 400 जूल ऊंचाई से गिराया जाता है, तो जी का मान हमको दिया गया है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाना, जैसे देख सकते हैं क्या हम गतिज ऊर्जा हमको निकालना है। गतिज ऊर्जा हमको पता है, तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना क्या है? v निकालना है। क्या निकालना? v निकालना है, जैसे देख सकते हैं। माना कि पिंड h मीटर ऊंचाई से गिराया गया था। h मीटर ऊंचाई पर पिंड में निहित स्थिति ऊर्जा पृथ्वी की उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर है। पृथ्वी की गतिज ऊर्जा बराबर h ऊंचाई पर स्थिति ऊर्जा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ क्या क्वेश्चन में, पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा और उसके बराबर हो गया h की ऊंचाई स्थिति ऊर्जा के बराबर हो गया। गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के बराबर, तो स्थिति ऊर्जा हमको निकल कर स्थिति ऊर्जा हमको पता हो गया कितना है। स्थिति ऊर्जा 400, उसके बाद mgh, m का मान 2, g का मान 10, h हमको निकालना है। तो h हमको निकल के भाग में चल जाएगा, तो हमको निकल कर 20 मीटर चला आएगा। कितना? 20 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 मीटर। क्या हो जाएगा इसका? 20 मीटर आंसर। क्योंकि क्वेश्चन देखिए गतिज ऊर्जा दिया गया 400 जूल, क्योंकि जब धरती से टकराने पर तो होता है इस गतिज ऊर्जा बराबर h की ऊंचाई से स्थिति ऊर्जा। इसलिए स्थिति ऊर्जा हमको पता है कितना, गतिज ऊर्जा है 400 मतलब स्थिति ऊर्जा हो गया, तो स्थिति ऊर्जा कितना हो गया? 400 जूल हो गया। उसके बाद देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 189 189 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें स्थिति ऊर्जा होती है? बताइए 189 का आंसर क्या हो जाएगा? 189 का क्या हो जाएगा? ए। बांध का पानी क्या होता है? स्थिति ऊर्जा होता है। गिरता हुआ वायुयान गतिज ऊर्जा, उड़ता हुआ वायुयान गतिज ऊर्जा, दौड़ता हुआ धावा गतिज ऊर्जा है। तो कहा गया स्थिति ऊर्जा कौन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए, जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा, घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा इत्यादि। चलिए आगे देखिए 190 नंबर क्वेश्चन। 190 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में स्थिति ऊर्जा होती है, तो बताइए 190 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका डी। उठाया हुआ हथौड़ा में क्या है? स्थिति ऊर्जा है। क्या है? स्थिति ऊर्जा। ऑप्शन ए में देखिए चलती हुई गोली क्या है? गतिज ऊर्जा। बी में देखिए बहने वाला हवा क्या है? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन सी में एक लुढ़कता हुआ पत्थर क्या है? गतिज ऊर्जा। उसके बाद चलिए देखिए डी नंबर में, देखिए इसका थ्योरी देखिए, उठाए हुए हथौड़े में स्थिति ऊर्जा होती है जबकि अन्य सभी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। उसके बाद देखिए 191 नंबर क्वेश्चन। 191 में कहा गया यदि 10 kg भार की बाईसाइकिल 20 मीटर पर सेकेंड गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा पूछा, द्रव्यमान हमको पता है, हम पता है हमको 10 kg, अभी पता है 20 मीटर पर सेकेंड, निकाल लीजिए गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा निकालेंगे क्या, जैसे देख सकते हैं, यदि m का द्रव्यमान कोई वस्तु का अभिवेग से साथ के साथ गति करती है तो गतिज ऊर्जा का 1/2 mv²। एम हमको पता है, भी पता है, 1/2 एम कितना 10 और भी कितना 20 का स्क्वायर 400। वो सॉल्व करेगा 5 और 4×5 = 20, 2000 जूल हो जाएगा। कितना 2000 जूल इसका आंसर आ जाएगा। 2000 जूल 191 का डी क्या हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए 192 नंबर क्वेश्चन। 192 में क्या कहा गया, 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा क्या होगी। निहित गतिज ऊर्जा, पूछा गया निहित गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। आ स्थिति खाली निहित ऊर्जा पूछता तो mgh। जैसे देखिए m द्रव्यमान का पिंड v वेग से गति कर रहा, तो इसमें निहित गतिज ऊर्जा का मान तो क्या जाएगा 2 mv²। 1/2 m का मान 14 और v का मान 5 का स्क्वायर। 1/2 14 और 25 5 का स्क्वायर 25, तो इसको 14 25 सती 175 जूल हो जाएगा। 175 जूल हो जाएगा। 175 जूल ऑप्शन डी हो जाएगा 192 का। उसके बाद 193 नंबर क्वेश्चन देखिए। 193 निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, तो बताइए 193 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, इसमें क्या है स्थिति ऊर्जा है। उसके बाद ऑप्शन ए में लटकता हुआ पत्थर क्या है गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन बी में देखिए गिरता हुआ नारियल क्या है गतिज ऊर्जा है। डी देखिए गतिमान कार क्या है गतिज ऊर्जा। तो कौन गतिज ऊर्जा नहीं, उठा हुआ पत्थर गतिज ऊर्जा नहीं है। उसके बाद ऐसा थ्योरी देखिए, गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु के गति के कारण होती है, जैसे लुढ़कते हुए पत्थर की ऊर्जा, गिरते हुए नारियल की ऊर्जा, गतिमान पिंड की ऊर्जा आदि उठाए हुए हथौड़े में स्थिति ऊर्जा होती है। स्थिति ऊर्जा किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण होता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। उसके बाद चलिए देखिए 194 नंबर क्वेश्चन। 194 में क्या है, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है, तो बताइए इसमें किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। 194 का बताइए क्या आंसर हो जाएगा। हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा क्या 194 का 194 बताइए जल्दी से क्या कहा, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। गतिज ऊर्जा नहीं होती है ये बताइए। तो क्या देखिए इनमें किसमें वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती, बहता हुआ हवा गतिज ऊर्जा है, उठा हुआ हथौड़ा, लुढ़कता हुआ पत्थर, चलती हुई गोली। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका 195 नंबर क्वेश्चन देखिए। 195 में देखिए क्या कहा गया, 70 kg के भार उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे देखिए वस्तु का द्रव्यमान हमको पता 70 kg, स्थिति ऊर्जा हमको पता है 9800 जूल है, जी का मान हमको दिया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भार के h मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो क्या होगा स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh। हमको स्थिति ऊर्जा दिया हुआ 9800 दिया गया है जूल बराबर m कितना 70, g कितना 10, h हमको निकालना है। तो h जब निकालेंगे तो भाग में चलेगा 9800 और नीचे हमको 700 भाग में चलाएगा, एच हमको निकल जाएगा 002 कर जाएगा। इसके बाद 14 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। कितना 14 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या वस्तु का भार की ऊंचाई कितना 14 मीटर इसका आंसर हो गया। कितना 14 मीटर क्या हो जाएगा 14 मीटर। 195 का 14 मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 196 नंबर क्वेश्चन देखिए। 196 में देखिए क्या कहा, एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या होगा। अब देखिए हमको टाइम पता है और कितना 100 1000 जूल कम करता। देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देखिए, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, क्षमता का ऊर्जा, कार्य दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। तो शक्ति बराबर कार्यवाही समय, कार्यवाही समय। तो कार्य कितना हुआ 1000 और समय कितना 2 सेकेंड, तो भाग दीजिएगा कितना 500 वाट हो जाएगा। कितना शक्ति बराबर कितना हो जाएगा 500 वाट, क्या हो जाएगा 500 वाट, 500 वाट ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 197 नंबर क्वेश्चन, 197 में क्या कहा गया, 40 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, जी का मान हमको दिया गया है। जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। m द्रव्यमान वस्तु पृथ्वी की तल से ऊंचाई h ऊंचाई तक स्थिर है, तो बस स्थिति ऊर्जा क्या होगी mgh। स्थिति ऊर्जा कितना हो mgh, m का मान 40, g का 10, h कितना 5, कितना हो गया 2000 जूल, कितना हो गया 2000 जूल हो गया। तो कितना आंसर हो जाएगा 2000 जूल हो जाएगा। जैसे देखिए 40 kg द्रव्यमान की वस्तु जमीन से 5 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया, स्थिति ऊर्जा हमको पूछा गया, स्थिति ऊर्जा पूछा गया तो mgh। उसके बाद देखिए 198 नंबर क्वेश्चन, 198 देखिए क्या कहा गया, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है, बताइए 198 का आंसर क्या हो जाएगा, 198 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा में वृद्धि। किसी वस्तु मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। उसके बाद देखिए इसका थ्योरी, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होता है तो उसमें स्थिति ऊर्जा विद्यमान होती है, परंतु जब वह मुक्त रूप से नीचे गिराई जाती है तो उसमें क्या गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहलाती है, परंतु पिंड जैसे जैसे नीचे की ओर आता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है, जिससे यह गति बढ़ जाने के कारण गति ऊर्जा में वृद्धि हो जाता है। तो गति ऊर्जा 2 mv², m वस्तु का द्रव्यमान है, v वस्तु का वेग है। उसके बाद देखिए 199 नंबर क्वेश्चन, देखिए 199 में क्या कहा गया, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु का वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या परिवर्तन हो जाएगा, 199 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा, 199 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा नियत ही रहेगी, स्थिति ऊर्जा नियत ही रहेगी। क्वेश्चन क्योंकि स्थिति ऊर्जा जब भी पूछेगा तो उसमें कोई कितना भी गुना हो जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा क्या स्थिति ऊर्जा नियत रहेगी। उसके बाद देखिए थ्योरी इसका, प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा विद्यमान रहती है, उसमें स्थिति ऊर्जा कहते हैं। प्रदर्श अनुसार किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु को वेग को 4 गुना बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, न कि स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा, अतः स्थिति ऊर्जा नियत रहती है। स्थिति ऊर्जा क्या रहती है नियत, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन स्थिति ऊर्जा में नियत रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद देखिए 200 नंबर क्वेश्चन, देखिए 200 में क्या कहा, साइकिल चलाते समय ऊर्जा किस प्रकार का रूपांतरण करती है, बताइए 200 का आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी, रासायनिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए बी क्या थ्योरी में देखिए, साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। चलिए देखिए 201 नंबर क्वेश्चन, देखिए 201 में क्या कहा गया, एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 201 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 201 का आंसर, 201 का क्या हो जाएगा अधिक, क्या हो जाएगा अधिक। एक स्प्रिंग संपृक्त स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा अवश्य समानता कितना उससे अधिक होती है। उसके बाद चलिए देखिए आगे क्वेश्चन, इसका थोड़ा थ्योरी देख लीजिए। क्या कहा गया, एक संपृक्त स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। स्प्रिंग एक लोचदार वस्तु की बनी होती है तथा जिसमें मैकेनिकल ऊर्जा संचित रहती है। संपीड़ित स्प्रिंग में मैकेनिकल ऊर्जा ज़्यादा संचित होने के कारण समान स्प्रिंग से तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 202 नंबर क्वेश्चन देखिए 202 में क्या कहा गया किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होती है, तो बताइए इसमें क्या 202 का आंसर क्या हो जाएगा, सी गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। उसके बाद इसका थ्योरी देखिए। कहा गया क्वेश्चन में किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान है, वस्तु वेग से चल रही है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होगा, 1/2 mv² होगा। उस जैसे किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो जब यह भूमि पर स्पर्श करती है तो उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए 203 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाला समर्थक को क्या कहते हैं। 203 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऊर्जा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए किसी वस्तु पर लगने वाला समर्थक को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 204 नंबर क्वेश्चन। 204 में कहा गया 50 केजी द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी। जी का मान हमको दिया गया है, एम का मान दिया गया और भी हमको दिया गया। क्या निहित ऊर्जा मतलब स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा सूत्र क्या होता है वो देखिए क्वेश्चन में mgh, जैसे कि देख सकते हैं। तो क्या पिंड का द्रव्यमान हमको दिया गया है, h क्या ऊंचाई कितना 6 मीटर, हम बोल दिए भी ऊंचाई हमको दिया गया 6 मीटर। उसके बाद g कितना दिया गया, उसके बाद स्थिति ऊर्जा EP = mgh या u बराबर। तो क्या m कितना 50, g कितना 10, h कितना 6, टोटल कितना हो गया 3000 जूल। कितना होगा 3000 जूल, इसका आंसर निकल कर चलाएगा। तो देख लो 204 का क्या हो जाएगा, 204 का हो जाएगा 3000 जूल हो जाएगा। कितना 3000 जूल। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 205 नंबर क्वेश्चन देखिए 205 में क्या कहा गया, m द्रव्यमान की एक वस्तु को भूस्तर से 4h की ऊंचाई पर उठाया गया तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, अब देखिए स्थिति ऊर्जा पूछा गया। जैसे देखिए क्वेश्चन में स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होगा, PE = mgh दे दिए। उसको h हमको पता है कितना 2h, कितना h कितना पता है, जैसे क्वेश्चन में देख लीजिए h कितना 4h पता है, h कितना है 4h। तो टोटल गुना करिए कितना 4mgh हो जाएगा इसका आंसर, 4mgh, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 206 नंबर क्वेश्चन। 206 में कहा गया 11 केजी की एक वस्तु को जब भूमि से 7 मीटर ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। दिया गया G = 9.8 m/s हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है इसमें mgh, क्योंकि निहित ऊर्जा mgh लगाना है। जैसे देखिए वस्तु का द्रव्यमान कितना 11 केजी, h कितना है 7 मीटर, g कितना 9.8 m/s²। तो क्या पदार्थ निहित ऊर्जा, निहित ऊर्जा बराबर क्या होता है, निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, डब्लू से भी करते हैं, उसको पीई से भी, यू से भी। तो देखिए एम जी एच, एम कितना 11, जी कितना 7, जी कितना है ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 7, उसका जी का मान कितना 9.8, टोटल जब गुना करिएगा 754.6 जूल हो जाएगा, 754.6 जूल, 754.6 जूल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलिए क्वेश्चन देखिए 207 नंबर क्वेश्चन। 207 में कहा गया 10 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर ऊंचाई पर, तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, दिया गया जी बराबर कितना 9.8 मीटर के पावर -2 है। तो जैसे देखिए क्या करना, क्वेश्चन में निहित ऊर्जा निकालना है। तो जैसे देखिए वस्तु का द्रव्यमान दिया गया m बराबर 10 kg, h ऊंचाई कितना 7 मीटर, निहित ऊर्जा कितना mgh, तो 10 कितना m कितना 10, g कितना 9.8, h कितना 7, टोटल जब गुना करिए 686 जूल हो जाएगा, 686 जूल इसका आंसर हो जाएगा, 686 जूल, 207 का 686 जूल इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 208 नंबर क्वेश्चन। 208 में देखिए कहा गया बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार के परिवर्तन होता है, 208 का तो हो जाएगा डी इसका आंसर, स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। किसमें, बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार का परिवर्तन होता है, स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। उसके बाद थ्योरी देखिए, स्थिति ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो इस पीई बराबर एम जी एच, स्थिति ऊर्जा बराबर एम जी एच। जैसे संघनन के दौरान वर्षा की बूंदों में स्थिति ऊर्जा होती है, जबकि बारिश के दौरान स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि वर्षा के बूंदों की में स्थिति ऊर्जा होती है। उसके बाद गया क्वेश्चन 209 नंबर क्वेश्चन देखिए। 209 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है, 209 का आंसर बताइए। क्या जगह सी, स्थिति ऊर्जा, क्या जगह स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा पीई बराबर एम जी एच, स्थिति ऊर्जा H। उसके बाद देखिए अतः उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि ऊंचाई के बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ेगी और ऊंचाई के घटने पर ऊर्जा कम होगी। जब ऊंचाई बढ़ने पर ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, और ऊंचाई घटने पर ऊर्जा कम होगी। 210 नंबर क्वेश्चन। 210 में कहा गया एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करिए। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, मीटर सेकंड के पावर -2 दिया गया है। तो जैसे करना क्या है, जैसे देखिए माना कि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा कितना है, स्थिति ऊर्जा दिया हुआ 1500 जूल, द्रव्यमान कितना 15 kg, जी कितना 10 मीटर सेकेंड पावर -2, ऊंचाई हमको निकालना है। अब देखिए जैसे देखिए स्थिति ऊर्जा कितना दिया हो गया 1500 जूल, एम कितना 15, उसका जी कितना 10, एच हमको निकालना। तो ये भाग में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग में जब चल जाएगा कितना हो जाएगा 150 कट जाएगा, कितना बचा 10, एच बराबर कितना 10 मीटर इसका आंसर निकल कर चलाएगा, कितना हो जाएगा 10 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 210 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 21 नंबर 221 देखिए। 221 में कहा स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होता है, 211 का आंसर बताइए। हो जाएगा बी एम जी एच, क्या हो जाएगा एम जी एच। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वस्तु में निहित गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है। u बराबर mgh या pe बराबर mgh। गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद देखिए 212 नंबर क्वेश्चन। 212 में कहा गया 10 केजी की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है तो वस्तु गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्योंकि m हमको दिया गया, वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के उसको आगे बढ़ रही है तो देखिए क्या गतिज ऊर्जा पूछा गया। m भी हमको पता है, m भी पता है। जैसे देखिए m पता है 10 केजी, v पता है 2 मीटर प्रति सेकंड, गतिज ऊर्जा बराबर एक बड़ा 2 mv स्क्वायर। एक बड़ा 2 m का मान 10 गुने भी कितना है भी का स्क्वायर तो 2 गुने 2 तो टोटल करिए कितना 2 × 10 = 20 20 जूल इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 जूल। 20 जूल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके आगे चलिए क्वेश्चन देखिए 213 का। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है ये बताइए। 1/2 mv स्क्वायर। mv स्क्वायर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी वस्तु में उसी गति के कारण कार्य करने को जो क्षमता आ जाती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी? स्थिति ऊर्जा तो वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? ke बराबर 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 214 नंबर क्वेश्चन। 214 11 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकेंड के पावर -1 के एक समान वेग से गति कर रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा क्या होगी? निहित गतिज ऊर्जा पूछा गया तो जैसे देख सकते क्वेश्चन में जैसे देखिए क्वेश्चन द्रव्यमान को दिया गया कितना m दिया गया 11 केजी, v दिया गया 5 मीटर सेकेंड पावर -1। हमको गतिज ऊर्जा निकालना 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 m का मान 11, v का मान 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 1/2 = 11 × 25। उसके बाद देखिए इसको जब सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा कितना आपको आंसर निकल कर 137.5 जूल। 137.5 जूल आ जाएगा। 137.5 जूल इसका आंसर निकल कर चलाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 215 नंबर क्वेश्चन। 215 में कहा गया 15 केजी के द्रव्यमान की एक वस्तु 15 मीटर सेकेंड के पावर -1 के एक समान वेग से गति कर रही है तो वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा धारण करेगी? जैसे देखिए उसी टाइप से क्वेश्चन बनाना है। जैसे देखिए m दिया गया 15 केजी, वेग दिया गया 5 मीटर सेकेंड पावर -1, गति ऊर्जा निकाल 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 m का मान 15, v का 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद क्या करना है? भाग देना तो 187.5 जूल हो जाएगा। 187.5 जूल। 187.5 जूल ऑप्शन ए हो जाएगा किसका 215 का। उसके बाद देखिए 216 नंबर क्वेश्चन। 216 में कहा गया 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु भूमि से ऊंचाई ज्ञात करिए। जी का मान दिया गया है। जैसे देखिए एम कितना 12 kg, स्थिति ऊर्जा कितना 480 जूल। तो जैसे स्थिति ऊर्जा बराबर एम जी एच, स्थिति ऊर्जा कितना 480, एम कितना है 12, उसका जी कितना 10, एच हमको निकालना है। तो 480 में ये जो है 12 × 10 भाग में चल जाएगा, कितना बचेगा, एच का मान हमको 4 मीटर निकल कर चल आएगा। 4 मीटर कितना हो जाएगा, 4 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 4 मीटर किसका 216 का। उसके बाद दिया क्वेश्चन 217 क्वेश्चन देखिए 217 क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। 217 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 217 का हो जाएगा क्या डी, इसका हो जाएगा आंसर। ए बी सी डी तीनों हो जाएगा इसका स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। जैसे देखिए घर की छत पर रखी एक ईंट बीम, देखिए एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, जैसे संपीड़ित स्प्रिंग जब जल आपूर्ति प्रणाली तक ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, सब क्या है स्थिति ऊर्जा। किसी वस्तु में विशेष अवस्था या अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है स्थिति ऊर्जा कहलाती है। घर की छत पर रखी एक ईंट एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, संपीड़ित स्प्रिंग या कमानी ऊर्जा तथा जल आपूर्ति प्रणाली के ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी को की ऊर्जा आदि भी सभी स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। उसके बाद 218 नंबर क्वेश्चन 218 देखिए क्या कहा गया, कार्य करने की सक्षम वस्तु में डैश होती है। तो बताइए 218 का आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसका बी, क्या हो जाएगा ऊर्जा, क्या हो जाएगा ऊर्जा। कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होती है ऊर्जा होती है। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, इस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तने हुए स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। बहते हुए पानी में जो ऊर्जा हो गति, बहते हुए पानी की ऊर्जा तो गतिज ऊर्जा है। बहती हुई पानी का ऊर्जा क्या है गतिज ऊर्जा। बारूद की ऊर्जा क्या रासायनिक ऊर्जा है। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 219 नंबर क्वेश्चन 219 में कहा गया एक हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या निहित होता है ये बताइए। 219 का गतिज ऊर्जा होता है, इसमें क्या होता है गतिज ऊर्जा। जैसे देखिए गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह गतिज अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय अथवा दोनों के कारण होती है। इसका मान उस पिंड की विरामावस्था से उस वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो क्या होगा गतिज बराबर क्या 1/2 mv²। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए 220 नंबर क्वेश्चन 220 में क्या कहा गया, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। 220 का बताइए कौन गलत है, ऐसा हो जाएगा सी गलत हो जाएगा। सी गलत, बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है। बांध के जल में क्या होती है गतिज ऊर्जा नहीं होती, उसमें होती है स्थिति ऊर्जा। और क्वेश्चन देखिए ऑप्शन एम देखिए संपीड़ित स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा होती है। संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होती है स्थिति ऊर्जा होती है। उठाए गए हथौड़े में क्या होता है स्थिति ऊर्जा होती है। डीम देखिए गतिशील कार्य में क्या होती है गतिज ऊर्जा होती है। तो इसमें क्या बांध के जल में गतिज ऊर्जा गलत है ये। उसके बाद आए क्वेश्चन 220 के जल में स्थिति ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी किसी विशेष स्थिति या अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी में ऊर्जा, आगे क्वेश्चन देखिए 221 नंबर क्वेश्चन। 221 में क्या कहा, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है और वह 6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा क्या होगी? जैसे देखिए किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु के गतिज ऊर्जा कहते हैं। एम द्रव्यमान वस्तु का वेग भी के चाल से चल रहा था, तब गतिज ऊर्जा 1/2 mv², द्रव्यमान कितना 20 केजी, भी कितना 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस पे बैठाइए आंसर निकल कर चलाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 भी एम कितना 20, भी कितना है, भी कितना 6² 36, जबकि 10 तो 360 जूल। कितना जगह 360 जूल इसका आंसर हो जाएगा, 360 जूल। 360 जूल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 221 का। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए 222 नंबर क्वेश्चन। 222 में क्या कहा गया? 222 में देखिए, दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? क्या अनुमान लगाया जा सकता है ये बताइए। ऑप्शन देखिए, दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है। उसके बाद देखिए बी में, उच्च ऊर्जा के उपयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रही है। उसके बाद देखिए सी नंबर, दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। चौथा डी नंबर को, दोनों वाहन में गतिज ऊर्जा है। तो बताइए इसमें चारों में से क्या हो जाएगा? चारों में से बताइए इसमें क्या क्वेश्चन में कहा गया, दिए गए चित्र में संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? बताइए इसमें क्या अनुमान आप लगा सकते हैं, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा दोनों वाहन में गतिज ऊर्जा है। दोनों वाहन में गतिज ऊर्जा है। जैसे देखिए, दिए गए चित्र अनुसार दोनों वाहन की गति की अवस्था में है, इसलिए इन दोनों वाहन में गतिज ऊर्जा होगी। इस प्रकार वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती। यदि एम द्रव्यमान भी वस्तु का भी मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होगा, एनी टाइम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन 223 देखिए क्या कहा गया, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा होती है। तो बताइए 223 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा स्थिति ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थिति ऊर्जा। जो किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में स्थिति ऊर्जा होती है। स्थिति ऊर्जा में यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर होती है तो ऊपर उठाने में पृथ्वी का गुरुत्वीय बल आरोपित होता है, अर्थात किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाने में पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण विद्युत कार्य करना पड़ता है। ऊंचाई पर स्थिर होने पर इस संपादित कार्य तुल्य वस्तु की स्थिति ऊर्जा संचित होती है। उसके बाद देखिए 224 नंबर क्वेश्चन देखिए। 224 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो उसमें स्थिति ऊर्जा होगी, ये बताइए स्थिति ऊर्जा होगी उसमें। 224 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा डी, स्थिति ऊर्जा होगी मगर बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। उसके बाद देखिए, किसी वस्तु में स्थिति ऊर्जा बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। जब कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो H का मान बढ़ता है, स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। स्थिति ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई mgh होगा, स्थिति ऊर्जा बराबर mgh। उसके बाद 225 नंबर क्वेश्चन देखिए, 225 में क्या कहा गया, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। अब देखिए क्या करना है, क्या हो जाएगा ये बताइए, क्या हो गया गतिज ऊर्जा क्या दोगुनी हो गई ये बताइए हमको, दोगुनी क्या चीज हो गई, दोगुनी गति होगी दोगुनी। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाइए, पहले गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाइए 1/2 mv स्क्वायर। तो क्या करना है, क्या करना वो देखिए, v जो है v2/v1, उसके बाद ये क्या है, ये गतिज ऊर्जा है ek2/ek1 बराबर v2/v1 का होल स्क्वायर। अब करना क्या, v2 कितना है 2 क्योंकि दोगुनी, तो 2 गुनी v1/v1 स्क्वायर, उसका स्क्वायर होगा ऊपर वाला। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 4v1 का स्क्वायर, नीचे क्या v1 का स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर खत्म, बचेगा क्या सिर्फ 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, तो 4 बचेगा। तो हो जाएगा क्या आंसर, साइल गति दोगुनी होने पर गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाए। डायरेक्ट ऐसे सोचिए, डायरेक्ट इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं। जब भी क्वेश्चन अगर रहेगा, जब भी आपको कहेगा साइकिल गति दोगुनी हो जाती है तो गति ऊर्जा कितनी होता है, तो 4 गुनी हो जाएगी। और जब रहेगा 2 गुनी तो 4 गुनी, इस प्रकार से आपको सोचना है। जब 4 गुनी रहेगा, 4 का स्क्वायर करिए 16 गुनी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 225 का क्या हो जाएगा 4 गुनी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 225 नंबर क्वेश्चन, 226 नंबर क्वेश्चन देखिए, 226 में क्या कहा गया, देखिए 226 में क्या कहा गया, कहा गया 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर सेकेंड के पावर -1 एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो देखिए क्या करना क्वेश्चन को, गतिशील ऊर्जा बराबर क्या होगा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, गतिशील ऊर्जा कहिए या गतिज ऊर्जा या निहित गतिज ऊर्जा। तो क्या होगा 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m का मान 30, अब v कितना है, v कितना है 10 का स्क्वायर 100, 10 × 10 ऐसे भी करिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 1500 जूल इसका आंसर हो जाएगा, कितना 1500 जूल इसका आंसर हो जाएगा, 1500 जूल ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चले आए क्वेश्चन देखिए 227 नंबर क्वेश्चन, 227 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से घूम रही है, वस्तु में अधीन गतिज ऊर्जा क्या होगी। उसी प्रकार एक करना है क्वेश्चन, जैसे देखिए क्वेश्चन को, द्रव्यमान हमको दिया गया है 30 केजी, चाल भी बराबर कितना 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो क्या गति ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर, तो उसके 1/2 कितना m कितना है 30 केजी, भी कितना 5 × 5 कितना हो जाएगा 375 जूल हो जाएगा, 375 जूल इसका आंसर हो जाएगा, 375 जूल हो जाएगा ऑप्शन बी 227 का। उसके बाद देखिए आए क्वेश्चन 228 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन केजी के पावर -1 के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थिति ऊर्जा होती है, तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करिए। जैसे देखिए क्वेश्चन में, जैसे देखिए क्वेश्चन में द्रव्यमान कितना 20 केजी, जी कितना दिया गया है 10 न्यूटन केजी के पावर -1, ई कितना दिया गया स्थिति ऊर्जा 400 जूल, एच हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा स्थिति ऊर्जा कितना है 400, एम कितना 20, जी कितना 10, एच कितना एच हमको पता नहीं, एच निकालना है। तो 400 में 20 × 10 से भाग लगा दीजिए, एच का मान हमको निकल जाएगा, उसके बाद कट जाएगा, जैसे देख सकते हैं। भाग जाएगा 200 क्योंकि 20 × 10 कितना हो जाएगा 200 कट जाएगा 2 मीटर। इसका आंसर आ जाएगा कितना 2 मीटर। इसका आंसर निकल कर चला कितना 2 मीटर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 228 का। उसके बाद चलिए 229 नंबर क्वेश्चन देखिए। 229 में कहा गया 15 केजी के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसके द्वारा स्थिति ऊर्जा ज्ञात करिए। स्थिति ऊर्जा ज्ञात करिए। तो जैसे देखिए क्वेश्चन स्थिति ऊर्जा बराबर क्या है वस्तु के ऊपर उठाने में किया गया कार्य। तो क्या एम जी एच, एम कितना है 15, जी कितना 10, एच कितना 10, टोटल कितना 1500 जूल। कितना हो जाएगा 1500 जूल। इसका आंसर हो जाएगा 229 का 1500 जूल हो जाएगा। 1500 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए 230 नंबर क्वेश्चन। 230 में कहा गया 30 मीटर प्रति सेकेंड कहिए या 30 मीटर/सेकेंड के पावर-1 की गति से चलने वाली 2 केजी द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। जैसे देखिए द्रव्यमान कितना दिया गया 2 केजी, भी कितना दिया 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv², 1/2 एम कितना, एम कितना 2, उसका भी कितना है 30 का स्क्वायर, 30 × 30 कितना हो जाएगा 30 × 30, 2 खत्म, 30 × 30 900 जूल। कितना हो जाएगा 900 जूल। इसका आंसर हो जाएगा कितना 900 जूल। इसका आंसर हो जाएगा 900 जूल 230 का। उसके बाद चलिए आगे को तो 231 देखिए। 231 में कहा गया यदि एक वस्तु का वेग शुरुआती वेग से 2 गुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी वृद्धि हो जाएगी। जैसे देखिए क्वेश्चन को तो इस टाइप से है। तो जैसे भी आपको हम बताए हैं जब भी आपको रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको ऐसे ही हम बता देते हैं कि इसमें जैसे 231 तो किसी वस्तु को शुरुआती वेग 2 गुनी जब भी हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा जब भी 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको इस टाइप जब भी 4 गुनी रहेगा तो कितना होगा स्क्वायर कर दे 16 गुनी हो जाएगा। इस टाइप को आपको सोचना है। उसके बाद 232 नंबर क्वेश्चन देखिए। 232 नंबर क्वेश्चन 232 में क्या कहा गया किसी वस्तु का द्रव्यमान m = 30 केजी तथा वस्तु का वेग v = 5 मीटर/सेकेंड के पावर-1 है तो वस्तु गतिज ऊर्जा क्या होगी। उसी प्रकार से बनाना है 1/2 mv²। तो देखिए एम भी गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। एम कितना है 30 केजी, भी कितना 5 मीटर/सेकेंड के पावर-1 तक 1/2 गुने एम कितना 30 और उसके बाद भी कितना 5 × 5 क्योंकि 5 का स्क्वायर क्योंकि भी 2 बार है स्क्वायर है। तो टोटल इसे सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा 2 को 30 से करेगा कितना हो जाएगा 15। उसको सॉल्व करिएगा 375 जूल हो जाएगा। 375 जूल हो जाएगा इसका आंसर। 375 जूल हो जाएगा 375 जूल। ऑप्शन डी 232 का। उसके बाद देखिए 233 नंबर क्वेश्चन देखिए। 233 में कहा गया 12 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर है स्थिर है तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है तो वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी होगी। जी का मान दिया गया 10 मीटर/सेकेंड के पावर-2 दिया गया है। उसी प्रकार से बनाना है जैसे कहा स्थिति ऊर्जा दिया गया है। तो जैसे देखिए स्थिति ऊर्जा क्या सूत्र होता है वस्तु का द्रव्यमान 12 केजी, स्थिति ऊर्जा 600 जूल। तो ऊंचाई हमको पूछा गया तो स्थिति ऊर्जा बराबर P = mg²। स्थिति ऊर्जा कितना 600 जूल दिया गया है, m कितना 12, g कितना 10, h हमको निकालना है। तो 600 में 12 × 10 से भाग दे दीजिए तो आपको निकल कर आंसर चल आएगा। कितना आ जाएगा क्योंकि 12 गुने 10 से भाग दीजिएगा, क्योंकि गुना में 12 गुने 10 गुने h, तो भाग में दीजिए कितना हो जाएगा, आपको 5 मीटर आ जाएगा आपका। h का मान हमको निकल कर चल आएगा, कितना हो जाएगा 5 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर। 5 मीटर इसका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन 234। 234 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। 234 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 234 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी, गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा में गति के कारण बढ़ती है, गति के साथ बढ़ती है, गति ऊर्जा बढ़ती है, 234 का सी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो रेखीय तथा कोणीय वेग दोनों के कारण होती है। इसका सूत्र होता है KE = 1/2 mv²। m क्या द्रव्यमान, v क्या वस्तु का वेग। उसके बाद 235 नंबर क्वेश्चन देखिए, 235 देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा समान, क्या समान है ये बताइए। इसमें 235 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसमें देखिए एम क्या कहा है, एक तीव्र गति से आता हुआ कंकर की व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है, तो खिड़की या कांच को तोड़ सकता है। उसके बाद देखिए 220 नंबर में, किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा। उसके बाद देखिए सी नंबर क्वेश्चन देखिए, तेजी से चलती हुई कई कारों को नुकसान पहुंचा सकती है। डी नंबर देखिए, हवा पवन चक्की को फलकों को चला सकती है, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम क्या है गतिज ऊर्जा, ये है बीम क्या अति तीव्र गति, सी में गुरुत्वीय खिंचाव, डी में घर्षण बल। तो बताइए इसमें कौन सा क्या हो जाएगा, इसमें क्या समान है। इसका ऑप्शन ए इसका सही होगा, इसमें गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन ए क्या है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन ए क्या है गतिज ऊर्जा है। उसके बाद चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। एम द्रव्यमान है, भी वेग है। उसके बाद देखिए, गतिज ऊर्जा के प्रमुख उदाहरण है पवन चक्की, ऊपर से नीचे गिरती हुई गेंद, झूला आदि। संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। संवेग को अगर 2 गुना करिएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद देखिए 236 नंबर क्वेश्चन, 236 में क्या कहा गया, 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भूस्तर से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, ऊपर उठाया गया, तो वस्तु में स्थिति ऊर्जा क्या होगी। वस्तु में स्थिति ऊर्जा क्या, स्थिति ऊर्जा पूछा गया। जैसे देखिए दिया गया द्रव्यमान कितना 3 मीटर, स्थिति ऊर्जा कितना mgh, तो m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, क्या हमको पूछा गया स्थिति ऊर्जा, तो क्या होता है, क्या होता है mgh। m का मान कितना 3m, g कितना कुछ नहीं, h कितना कुछ नहीं। उसके बाद कितना हो जाएगा 3mgh, इसका आंसर हो जाएगा 3mgh। 236 क्या है 3mgh, इसका आंसर होगा 236 का। 237 नंबर क्वेश्चन देखिए, 237 में कहा गया, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बताइए 237 का हो जाएगा डी, गोली से कम होगी, गोली से कम होगी, गोली से कम होगी। तो कहा गया एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। बंदूक की गतिज ऊर्जा कम होगी, किसका ज़्यादा होती है, उसका गोली, उसका बंदूक जो गोली जो है उसका होती है, बुलेट जो होता है उसका होता है ज़्यादा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, जब किसी एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर धक्का दे मारती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगी। गोली की होती है ज़्यादा और बंदूक की कम होती है, गोली से कम होगी। किसका गतिज ऊर्जा? बंदूक की। उसके बाद यह क्वेश्चन देखिए 238 नंबर क्वेश्चन। 238 में कहा गया एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया है। यदि मोबाइल का फोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और मोबाइल फोन का 10 मीटर ऊंचाई से गिराया गया, जी बराबर कितना 10 मीटर/s², तो मोबाइल फोन की स्थिति ऊर्जा पूछा गया mgh, सिर्फ लगाएंगे mgh। तो जैसे देखिए मोबाइल फोन का द्रव्यमान दिया गया 0.5 kg, उसकी ऊंचाई कितना 100 मीटर, जी कितना 10 मीटर/s, तो क्या होगा ई पी या यू या पी कितना mgh, m कितना 0.5, उसके बाद g कितना 10, h कितना 100। टोटल जब सॉल्व करिएगा गुना करिएगा कितना 500 जूल हो जाएगा, कितना 500 जूल। इसका आपको आंसर निकाल कितना 500 जूल हो जाएगा, इसका आंसर कितना 500 जूल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 239 देखिए 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। तो दिया गया जी का मान कितना 9.8 मीटर/s²। तो बताइए क्या का निहित ऊर्जा क्या होगी। तो क्या निहित ऊर्जा मतलब mgh। जैसे देखिए वस्तु का द्रव्यमान 11 kg, h कितना 8 मीटर, जी कितना 9.8 मीटर/s²। तो पी बराबर स्थिति ऊर्जा बराबर पी बराबर क्या होगा mgh, कितना m कितना 11, जी कितना 9.8, h कितना 8। टोटल जब सॉल्व करिएगा तो 862.4 जूल, 862.4 जूल, 862.4, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 239 का। उसके बाद देखिए 240 नंबर क्वेश्चन। 240 में कहा गया 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। जी का मान दिया गया 9.8 मीटर/s² दिया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसी प्रकार से निहित ऊर्जा पूछा गया तो हम mgh फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे देख सकते हैं आप m द्रव्यमान की वस्तु h मीटर ऊंचाई उठाने पर वस्तु स्थिति ऊर्जा क्या होगा mgh। तो कितना m कितना 12, उसके बाद देखो ऊंचाई कितना 5, जी कितना 9.8, तो सॉल्व करिएगा 735 जूल हो जाएगा, कितना 735 जूल, कितना हो जाएगा 735 जूल इसका आंसर हो जाएगा। 735 जूल ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे देखिए 241 देखिए 241 में क्या कहा गया भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर स्थित 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करिए। दिया गया है जी बराबर 9.8 मीटर/s²। तो देखिए क्या करना है इसमें, क्या हमको पूछा गया वस्तु की ऊर्जा की गणना करिए। देखिए जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान कितना 10 kg, ऊंचाई कितना 6 मीटर, जी कितना 9.8 मीटर/s²। तो क्या स्थिति ऊर्जा पूछा गया, स्थिति ऊर्जा क्या mgh, द्रव्यमान कितना 10, जी कितना 9.8, h कितना 6, टोटल सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 588 जूल, 588 जूल हो जाएगा इसका आंसर, 588 जूल हो जाएगा, कितना 588 जूल। जैसे देखिए भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर स्थित है 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करिए। ऊंचाई पर स्थिर है तो स्थिति क्या मतलब क्या हुआ, स्थिति ऊर्जा इसमें सूत्र लगेगा, स्थिति ऊर्जा का सूत्र लगेगा। उसके बाद देखिए 242 नंबर क्वेश्चन। 242 का देखिए क्या क्वेश्चन है, कहा गया किसी वस्तु उत्पादन ऊपर की ओर फेंका गया यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई s तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में डैश होगी। तो बताइए इसका आंसर 242 क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए? इसका आंसर हो जाएगा कम स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा अधिक, गतिज ऊर्जा अधिक होगी इसमें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे देखिए इसका थ्योरी देखिए, किसी वस्तु का उपादान ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई s तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h का 1/4 वस्तु पर वस्तु में कम स्थितिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा अधिक होती है। समझिए क्वेश्चन यहाँ तक। उसके बाद देखिए 243 नंबर क्वेश्चन देखिए। 243 में कहा गया स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होती है? mgh। क्या होता है? mgh, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थिर है तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा बराबर गुरुत्वीय पिंड के भार के विरुद्ध किया गया कार्य w बराबर fd या fs होगा। पिंड का भार गुने ऊंचाई, तो क्या होगा? स्थिति ऊर्जा बराबर mgh। उसके बाद क्वेश्चन 244 नंबर क्वेश्चन देखिए। 244 में कहा गया सही विकल्प रिक्त स्थान को पूर्ति करिए। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठाने के दौरान स्थिति ऊर्जा में डैश गतिज ऊर्जा होती है। स्थिति ऊर्जा में डैश और गतिज ऊर्जा में डैश होती है। तो स्थिति ऊर्जा में क्या होगी ये बताइए और गतिज ऊर्जा में क्या होगी। 244 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 240 में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। क्या होगा? स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा घटती है। और सी में क्या कहा गया? स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और उसके बाद गतिज ऊर्जा घटती है। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा इसका दोनों आंसर, क्योंकि दोनों सेम ही है। इसलिए स्थिति ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा घटती है। उसके बाद देखिए किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहते हैं, जबकि स्थिति ऊर्जा किसी वस्तु की विशेष अवस्था स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 245। जब किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके उठाने के दौरान स्थिति ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है तथा गतिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा घटती है। एक समय ऐसा आता है जब वस्तु अंतिम बिंदु पर पहुंचती है तो गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है अर्थात घट जाती है। आरआरबी ने इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दिया, सी माना है, माना सी। उसके बाद देखिए 245 नंबर क्वेश्चन। 245 में कहा गया किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। तो बताइए इसका आंसर 245 का क्या हो जाएगा। हो जाएगा इसका बी। क्या होगा? गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। उसके बाद देखिए 246 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद थ्योरी देखिए। थ्योरी में कहा गया किसी दी गई ऊंचाई किसी वस्तु के ऊपर से नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के दौरान उस वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, किंतु इस दौरान वस्तु की स्थिति ऊर्जा घट जाती है तथा यात्रा में मार्ग किसी भी बिंदु पर वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 246 नंबर क्वेश्चन। 246 में कहा गया किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी ये बताइए। 246 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा सी, बंदूक की तुलना में अधिक होगा, बुलेट की गोली का अधिक होगा। उसके बाद देखिए इसका थ्योरी देखिए क्या दिया है, इसका समझाया गया है। जैसे देख सकते हैं किसी बंदूक से बुलेट के दागे जाने पर बुलेट में गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक है। उसके बाद देखिए 247 नंबर क्वेश्चन। 247 में कहा गया 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकेंड गति से समांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह से गतिहीन न हो जाता है हो जाए। गतिज ऊर्जा की घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग का स्थिरांक 10,000 न्यूटन प्रति मीटर है। तो स्प्रिंग की डैश दबता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 247 का हो जाएगा क्या आंसर इसका, जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन देखिए बनाइए प्लस नॉमिनिकल जैसे देखिए इसका। तो माना कि इसमें दबा हुआ है x मीटर, तो m कितना 2 kg, k कितना 10,000 न्यूटन प्रति मीटर, v कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो जैसे देखिए उसके बाद देखिए 1/2 mv स्क्वायर 1/2 kx स्क्वायर 1/2 m का मान 2, v का कितना 4 का स्क्वायर। उसके बाद 1/2 क्योंकि k का मान कितना है 10,000, कितना है 10,000 भाग 2 से x स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्या करना है, ये जो कि 2 खत्म हो जाएगा, 2 खत्म, नीचे वाला 2 जब गुना करिएगा इसका इससे गुना, टोटल गुना हो जाएगा 1 × 2 × 4 × गुने और गुने 2 और ये 2 है इससे गुना हो जाएगा। तो क्या करना है टोटल इधर भाग में चला जाएगा, x स्क्वायर भाग में जब चलाएगा या करिएगा जैसे कि इसको गुना हो गया टोटल 32 हो गया, ये भाग में चलाएगा, भाग में जब चलाएगा तो इसको सब सॉल्व करिएगा। तो जैसे देखिए सॉल्व जब करिएगा आपको निकल कर चलाएगा कितना x बराबर 0.056 मीटर, और जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिएगा तो करना क्या है आपको, सेंटीमीटर कन्वर्ट करिएगा क्या करिएगा इसको 100 से गुना कर दीजिएगा तो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका x मान 5.5 सेंटीमीटर, इसका आंसर निकल कर चलाएगा 5.5। कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्प्रिंग 10,000 दिया गया, 10,000 न्यूटन मीटर दिया गया है, यहाँ लिखा है के का मान कितना 1,000, ये यहाँ 1 0 10,000 हो जाएगा और तब आ जाएगा सॉल्व। आप यहाँ दिया ठीक है, वहाँ गड़बड़ दिया है। उसके बाद देखिए 248 नंबर क्वेश्चन। 248 देखिए क्या कहा गया, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है। 248 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 248 का हो जाएगा ए, रासायनिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणु के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण विभिन्न छोटे कणों की आपसी स्थिति के कारण होता है। अतः रासायनिक ऊर्जा साइकिल चलाने पर उत्पन्न नहीं होता क्योंकि यह एक भौतिक क्रिया है। उसके बाद देखिए द्रव्यमान का क्वेश्चन देखिए। अब द्रव्यमान का क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परावर्तित नहीं होता है। 249 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 249 का तो हो जाएगा द्रव्यमान का, किसका हो जाएगा द्रव्यमान का। जैसे देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, द्रव्यमान को वस्तु के स्थान में परिवर्तन करने के साथ परिवर्तित नहीं होता है, किंतु वस्तु का भार वजन का स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद 250 नंबर क्वेश्चन, 250 नंबर क्वेश्चन देखिए, 250 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह इस समूह से संबंधित नहीं है, इस समूह से संबंधित नहीं है, बताइए। 250 का आंसर क्या हो जाएगा, होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, गति समय त्वरण इससे संबंधित नहीं है। तो देखिए 250 का, समय त्वरण तथा गति रेखीय गति के चर हैं, जबकि द्रव्यमान एक समूह से सम्मिलित नहीं है, द्रव्यमान समूह से सम्मिलित नहीं है।